भैया कुछ अलग करे कब ये देखल जाए। अलग गाना उना गावा था नाचा तोचा था ये सब गंदी आदतों का शौक नहीं है। हाँ, गाना गाना अरे रितेश पांडे भोजपुरी के मनोज तिवारी ये सब ना करी थी सबके। हाँ? हम जानते ही नहीं है कौन ये रितेश पांडे मनोज तिवारी और पवन सिंह को नहीं जानते। पवन सिंह को नहीं जानते भैया? सही में नहीं जानते, वीडियो वीडियो नहीं देखते हैं भोजपुरी गाना वगैरह नहीं। पवन सिंह को नहीं जानते हो? खेसारी लाल यादव भैया उनको जानते हैं। अच्छा उनको जानते हो, इसलिए शुरू किया कि हमारी जब इच्छा होगी तब हम घाट पे चाय बेचेंगे और जब इच्छा कहेगी तब बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। जी भैया जी। पढ़ लिख के का बने के बाद शिवाजी? भैया बने तो कुछ ना बा। बने कुछ ना बा? नहीं भैया। अरे राजू जब बने कुछ ना बा तब का पढ़ाता है भैया? ऐसे डिग्री लेने के लिए। डिग्री लेने के लिए वाराणसी के घाट पर ये विचित्र मैन मिल गए हैं। विचित्र मैन अगर स्पाइडरमैन, ओनली स्पाइडरमैन। हाँ विचित्र मैन नहीं, नहीं भैया स्पाइडरमैन। अच्छा स्पाइडरमैन। जी भैया। अच्छा जब लोग आते हैं अभी तक कितनी लड़कियां सेल्फी आपके साथ खिंचाई? भैया एक भी नहीं। हाँ इच्छा है? नहीं भैया एकदम नहीं। दे किसी से? नहीं भैया गंदी आदतों का शौक नहीं। हाँ, अगर कोई लड़की आके बोल दी कि हमें आपके साथ सेल्फी लेना का कहबा? कुछ नहीं भैया चले जाएंगे वहाँ से। चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे हैं और आपको बता दें कि मित्रों ये हमारे साथ स्पाइडर मैन मिल गए हैं और ये मुझे यूनिक लगे इसलिए लोग इनसे, तमाम लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, तमाम लोग इनसे हाथ मिला रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं अपने कैमरे पे कैद कर इन्हें और लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जाए। अगर हम बात करें इस समय हम वाराणसी जिस घाट पर है, इस घाट का अगर हम बिल्कुल आपको नज़ारा दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। ज़रा भैया यहाँ घाट का ज़रा नज़ारा दिखा दीजिए। हम लोग वाराणसी में भगवान शिव की नगरी में हैं और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इसी संसदीय क्षेत्र में एक इनका बच्चा जो है ये चाय बेचते हुए नज़र आ रहा है। ये सांसद, अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, आप कब से ये भैया अपना चाय वो बेचना, आप स्पाइडर मैन है तो ये चाय बेचने वाला काम कब से शुरू कर दीजिए भैया? जो है मुमकिन दिख रहा है। हाँ जी, पहले तो नाम बता दीजिए कहाँ से। नाम भैया हम शिवा। शिवा जी। कहाँ से हवा तू? ये आजमगढ़। आजमगढ़ से हवा, तो ये बनारस में कब से तहार काम स्टार्ट भइल बा? आज से। आज से जी भैया। तो ये अगर हम बात करें कि नए वेशभूषा में कैसे आइडिया, दिमाग में आइडिया कौन दिया, ये आपका, आपके पीछे कोई टीम है या कोई मतलब आपको मोटिवेट करने वाला है कि इस प्रकार से आप कार्य करिए, या आपने अपने मन से ये भेष बनाया? नहीं भैया एक यूट्यूबर है, उनको देख के भैया ऐसा प्रेरणा आया, उसके बाद हम भी अपना धंधा पानी चालू कर दिए। हाँ यूट्यूबर हैं? कौन यूट्यूबर है भैया? नाम नहीं पता। हाँ वो क्या बोले? वो बोले कि ऐसे वीडियो बनाइए? नहीं भैया हमको डायरेक्ट नहीं बोले भैया, उनका वीडियो कभी कल आ गया एक बार। हाँ। ऐसे क्रॉस करते हुए तो दिख गए, फिर मुझको भी लगा कुछ यूनिक करना चाहिए। हाँ। वो भी ऐसे पब्लिक प्लेस में जाते हैं और उसके बाद फोटो वोटो खिंचवाते हैं। हाँ। मैं बोला अपना इनकम भी चालू कर दूँ, इसीलिए ऐसा धंधा। हाँ। चालू किया। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है शिवाजी आपकी? भैया बस 11th में पढ़ रहे हैं। 11th में पढ़ रहे हैं जी। तो मतलब अगर घर की स्थिति हम कहें तो मतलब ठीक नहीं है, इसीलिए आप यहाँ वाराणसी के घाट पर आके चाय बेच रहे हैं? नहीं भैया घर की स्थिति तो बढ़िया है, बाकी हमारी इच्छा है कि यहाँ पे चाय बेचने का। तो चाय बेचते बेचते आगे प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है क्या? नहीं भैया मोदी साहब हमारे साहब हैं। हाँ मोदी साहब आपके साहब हैं, वो वाराणसी के सांसद हैं। जी भैया। हाँ पता है कि नहीं? अरे भैया बिल्कुल पता है। हाथ में देखिए इनके कप है साहब, और ये देखिए ये एक केतली है, इसी केतली से ये लोगों को चाय पिलाते हैं वाराणसी घाट पर। अभी तक सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों को चाय पिला दिए शिवाजी आप? भैया 90 ठो। 90 चाय पिला दिए? एक चाय की कीमत कितना है शिवाजी साहब? 10 रुपया। 10 रुपया, मतलब ये दिन भर में 900 रुपया कमा लिए साहब। अब वो लोग, उन लोगों के लिए ये वीडियो एकदम नया लगेगा जो गांव में जाकर 200, 300, 400 की मजदूरी करते हैं, लेकिन एक स्पाइडर मैन जो अगर हम बात करें वाराणसी के घाटों पर, ये दिन भर में अब तक 900 रुपया कमा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 12 बजे रात तक अगर ये काम करेंगे तो 1800 कमा लेंगे। सही है कि नहीं? नहीं भैया 12 बजे तक रात तक काम नहीं करना है। कितने बजे तक काम करते हैं भैया? जब तक हमारी इच्छा हो तब तक काम करेंगे। अच्छा मतलब ये काम आपने अपने इच्छा के अनुसार शुरू किया? जी भैया। इसलिए शुरू किया कि हमारी जब इच्छा होगी तब हम घाट पे चाय बेचेंगे और जब इच्छा कहेगी तब बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। जी भैया। पढ़ लिख के का बने के बाद
शिवाजी भैया बने तो कुछ ना बा। बने कुछ ना बा? नहीं भैया। अरे राजू जब बने कुछ ना बा तब का पढ़ाता है भैया? ऐसे डिग्री लेने के लिए। डिग्री लेने के लिए तो दिमाग में कुछ इमेज तो बनाए होंगे। अच्छा जब आप लोगों के पास चाय लेके जाते होंगे तो बहुत सारे लोग आपको देख के डर जाते होंगे, हो सकता है कि ये मतलब किसी के साथ कुछ छल भी कर सकता है। नहीं भैया ऐसा तो अभी किए नहीं है। लेकिन आप तो हमारे पास जब आए यार हम आपको देख कर डर गए, ये कौन आ गया? कोई बात नहीं भैया। हाँ स्पाइडरमैन आपकी पूरी चर्चा होने लगी है वाराणसी में, कल को तो आप वायरल हो जाएंगे, तो कंफर्म है क्या कहबा? क्या कहेंगे, वायरल होने के लिए तो आए हैं। वायरल होने के लिए आए हैं? जी भैया। हाँ अरे राजू वायरल होने के लिए आए हैं? जी भैया जी। अगर हम बात करें घाटों पर इनको देखने के लिए भीड़ कैसी लगती है, हम जरा साहब से चाहेंगे आप कैमरा मूव करा के दिखा दीजिए। जब ये चाय बेचते हैं तो ऐसे लोग इनको देखने के लिए पूरा तांता लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं पूरा भीड़ है। अच्छा ये बताइए कि आप पढ़ लिख कर क्यों नहीं कुछ बनना चाहते हैं, क्या कारण है? विकास भी अब बन नहीं पाएंगे। विकास बन नहीं पाएंगे। विकास बन नहीं पाएंगे, ये देखिए इंग्लिश भी बोल रहा है बंदा, कह रहा है विकास बन नहीं पाएंगे। अच्छा ये बताइए पारिवारिक बैकग्राउंड क्या क्या, मम्मी पापा कितने भाई बहन? सब बढ़िया है साहब। सब बढ़िया जी। कितने लोग हैं घर में? साहब घर में 5 लोग। अच्छा 5 लोग। अभी 11th में आपने साइंस लिया या आर्ट लिया? ये आर्ट लेनी। आर्ट ले ले बड़ा जी भैया। हाँ तो और कुछ कला वाला बा कि खाली स्पाइडर मैन बने के बाद? भैया कुछ अलग करे अब ये देख लिया। अलग गाना उना गावा था, नाचा तोचा था? ये सब गंदी आदतों का शौक नहीं है। हाँ गाना गाना अरे रितेश पांडे भोजपुरी के मनोज तिवारी ये सब बना करी थी सबके, हम जानते ही नहीं है कौन। ये रितेश पांडे मनोज तिवारी और पवन सिंह को नहीं जानते? पवन सिंह को नहीं जानते भैया? सही नहीं जानते, वीडियो नहीं देखते हैं भोजपुरी गाना वगैरह नहीं। पवन सिंह को नहीं जानते हो? खेसारी लाल यादव भैया उनको जानते हैं। अच्छा उनको जानते हो? आपको बता दें कि ये स्पाइडर मैन पवन सिंह को नहीं जानते हैं लेकिन खेसारी लाल यादव को जानते हैं, मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि पवन सिंह से कहीं तेज टीआरपी खेसारी लाल यादव की है, सही है कि नहीं? भैया हमको नहीं पता। हाँ इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा इसके बारे में भी नहीं जानकारी है? नहीं भैया। वाह इस समय कई लाख लोग आपको देख रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड में पूरी आपकी चर्चा है, का कहबा सबका खातिर? देखते हैं भैया अच्छी बात है। हाँ एकदम खूब कमेंट आ रहा है धुआंधार आपके वीडियो पे। कोई बात नहीं भैया आने दीजिए। आने दें? अच्छा आपको बता दें ये हमारे सात मित्रों दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी के घाट पर ये विचित्र मैन मिल गए हैं। विचित्र मैन अगर स्पाइडर मैन ओनली स्पाइडर मैन। हाँ विचित्र मैन नहीं? नहीं भैया स्पाइडर मैन। अच्छा स्पाइडर मैन जी भैया। अच्छा जब लोग आते हैं अभी तक कितनी लड़कियाँ सेल्फी आपके साथ खिंचाई? भैया एक भी नहीं। हाँ इच्छा है? नहीं भैया एकदम नहीं। दे किसी से? नहीं भैया गंदी आदतों का शौक नहीं। हाँ अगर कोई लड़की आके बोल दी कि हमें आपके साथ सेल्फी लेना का कहबा? कुछ नहीं भैया चले जाएंगे वहाँ से। चले जाएंगे जी कहते हैं चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार नमोवा फिर से बता दीजिए। शिवा शिवा शिवा। ये हमारे साथ शिवा जी है जो एक अलग रूप ले लिए है, शिव की नगरी में शिवा जी हैं और एक अलग रूप लेकर ये काफी बेच रहे हैं। का हो काफी बेचा था ना जी? हाँ ये दिन भर में अच्छा खासा पैसा भी कमाए। ये देखिए ये सब इनके हाथ में ग्लास है, कहीं कहीं हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, और खास करके ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।